जब 19 जून 2019 को बंगाली एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने बिजनेसमैन निखिल जैन के साथ सात फेरे लिए थे, तो किसे पता था कि इस चर्चित जोड़ी के रिश्ते में 2 साल के दरमियान ही दरार आ जाएगी। बात यहीं तक होती तो भी ठीक था, लेकिन नुसरत ने निखिल के साथ अपनी शादी को ही एकाएक अमान्य करार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पति पर गैर कानूनी तरीके से उनके पैसे और गहने लेने का भी सनसनीखेज आरोप लगाया, जिसके बाद उनके पति निखिल जैन ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। निखिल जैन ने अपना बयान जारी कर नुसरत और उनके रिश्ते में आई कड़वाहट की वजह की तरफ इशारा किया। निखिल जैन ने साफ तौर पर कोई नाम नहीं लिया, लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने नुसरत के अफेयर को उनकी शादीशुदा जीवन में आई खटास की वजह बताया। निखिल जैन के मुताबिक साल 2020 अगस्त में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान नुसरत का बर्ताव बदलने लगा था, जिसके बाद से उन्हें चिंता हुई कि इसके पीछे की वजह आखिर क्या है। साफ तौर पर निखिल का इशारा एक्टर यशदास गुप्ता की ओर था, जिनके साथ नुसरत का नाम काफी लंबे समय से जोड़कर देखा जा रहा है। नुसरत ने भी पूरी तरीके से इस मामले पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन पिछले कुछ समय से नुसरत की प्रेगनेंसी की खबरें सामने आई तो उनके पति निखिल ने भी बयान दे डाला कि दोनों 6 महीने से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो ये बच्चा उनका कैसे हो सकता है। मामले ने तूल पकड़ा तो नुसरत ने सफाई देते हुए शादी को अवैध बता दिया। तभी से नुसरत और यश के अफेयर की चर्चा एक बार फिर से होने लगी है। दरअसल साल 2021 की शुरुआत से ही नुसरत और निखिल के रिश्तों में दरार की खबरें सामने आने लगी थीं। इस दौरान चर्चा ये भी हुई कि नुसरत इन दिनों अभिनेता से नेता बने यशदास गुप्ता के करीब आ रही हैं। यशदास गुप्ता का नाम बंगाल के पॉपुलर एक्टर्स में शुमार है। यश ने साल 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी का दामन थाम लिया था। वो चुनाव में खड़े भी हुए थे, पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। साल 2020 में यशदास गुप्ता और नुसरत जहां एक साथ एक फिल्म में भी दिखाई दिए थे, जिसका नाम था SOS कोलकाता। इस फिल्म में उनके साथ मिमी चक्रवर्ती भी लीड रोल में थी। फिल्म के प्रमोशन के दौरान दोनों को कई बार साथ में देखा गया। इस फिल्म के कई तस्वीरें भी वायरल हुई, जिसमें नुसरत जहां और यश काफी क्लोज नजर आ रहे थे। इस मामले को हवा तब लगी जब दोनों राजस्थान ट्रिप पर एक साथ चले गए। नुसरत जहां से नजदीकियों की खबर पर यशदास गुप्ता ने आज तक कुछ ज्यादा नहीं कहा है। उनका कहना है कि उन्हें नुसरत जहां की शादीशुदा जिंदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं नुसरत ने भी आज तक यश के साथ अपने रिश्ते पर कुछ भी खुलकर नहीं कहा है। वहीं दूसरी तरफ उनके पति निखिल जैन ने अपने स्टेटमेंट में उनके द्वारा उनके बैंक अकाउंट से उनके पैसे और पुश्तैनी गहने निकालने के आरोप पर भी सफाई दी है। उन्होंने कहा है, शादी के बाद नुसरत होम लोन के भारी ब्याज के बोझ में दबी हुई थी और उनको इसमें मदद करने के लिए मैंने अपने परिवार के अकाउंट में से उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे, ये समझकर कि वो जल्द इन पैसों को किश्तों में या जब भी उनके पास होंगे वो लौटा देंगी। कोई भी पैसा जो उनके अकाउंट से मेरे या मेरे फैमिली अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, वो उसी लोन के बदले में थे जो मैंने एक इंसानियत के नाते दिए थे और अभी भी काफी किश्तों का भुगतान बाकी है। आज जब नुसरत और निखिल की जिंदगी की पूरी डिटेल सभी के सामने आ गई है, ऐसे में सवाल ये है कि क्या यशदास गुप्ता से उनकी नजदीकियों की खबर सही है। शायद इसका जवाब तो खुद नुसरत, यश और निखिल को ही देना होगा, लेकिन ऐसा कब होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के हमें जरूर बताएं। साथ ही में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।